लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें? लवेरिया हो गया। नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो? नहीं, पढ़िए, चश्मा लगाकर पढ़िए, नजदीक आई। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको और छीलेंगे। अब तो हम का बसोर हैं, आपका प्यार चरम सीमा का। तुम लोग जो हो ना, खरीदे हुए वो हो, मैं खरीदा हुआ नहीं हूँ, ठीक है? कॉन्ट्रोवर्सी नहीं मेरे साथ, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में, मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। जब बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंचा एक प्रेमी युवक, तो कैसे खोली बाबा ने प्रेमी युवक की पोल, आज जानेंगे इसी वीडियो में। आइए, नमस्कार 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, चश्मा लगाए रहिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगाए रहिए, नहीं नहीं लगाए रहिए। धन्यवाद। आइए नजदीक आइए जी गुरु। ये देसी चश्मा है, विदेशी? देसी, मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है। आपके पास बहुत है, एक आध हमें दे दिए, यही ले लो। नहीं नहीं, जो ले रहा होता अच्छा सो दे देंगे। अब जब मैं वहाँ आऊँगा तो बिल्कुल आपके लिए एक बढ़िया सा चश्मा लेके आऊँगा। कहाँ से आए हो? जयपुर से। दरअसल राजस्थान के सीकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हर बार की तरह वहाँ भी दिव्य दरबार आयोजित हुआ, लेकिन इस दरबार में कुछ ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए, या यूं कहें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री युवक की ऐसी पोल खोल दी कि पूरे दरबार में जयकारे लगने लगे। देखिए, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ आपके यहाँ, ठीक है? और अभी मेरा सुबह से, मतलब हम लोग सुबह 4 बजे जयपुर से निकले थे और तब से यहाँ बैठे हुए हैं। और जब आपने पहला नाम लिया था, आपने कहा था सेकंड डी में लास्ट में, और मेरा दिल कह रहा था कि आज मेरा नाम आएगा ही आएगा, ठीक है जी। लास्ट डी में उसके रेलिंग के पास में मैं बैठा हुआ था, टच होके नाम राजेश निकला, और मुझे थोड़ा सा धक्का लगा कि आज मेरा आने वाला है। और आज मैं आपकी दरबार में पहली बार आया हूँ, और जो बातें आप कह रहे थे अभी, वो बातें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ही लिए आपने कही हो। जब प्रेमी युवक बाबा के दरबार में पहुंचा तो उसने बताया कि वो एक मुस्लिम लड़की से 7 साल से बहुत प्यार करता है। उसने कहा कि वो ब्राह्मण है, 5 महीने पहले जिससे वो प्यार करता है उसकी शादी हो गई। बीते करीब 5.5 साल में वो इतना बुरा नहीं था जितना पिछले 5 महीने में उसके लिए हो गया। अगर वो लड़की अब भी तैयार होती है तो वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। युवक ने आगे कहा कि मैंने उस लड़की के पिता से भी बातचीत की और उन्हें पूरी बात बताई। मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें? लवेरिया हो गया मुझे। 7 सालों से उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और बताता हूँ, और मैं जो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम है जी। तो आपको क्या लगता है इसके अलावा? नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो? नहीं, अभी अभी जो है, अभी रिसेंटली, अभी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। ये भी ट्विस्ट है कहानी में। और क्या होता है, अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे प्यार से, दुलार से, फटकार से, डरा के, धमका के, हर तरीके से अपने साथ रखने की कोशिश करता है। 6.5 साल तक मैं इतना बुरा नहीं था, और इन 5 महीनों में मैं उसके लिए बहुत बुरा हो गया। मैं कुछ चीज़ें ओपन नहीं करना चाहता जो उसने मेरे साथ कर दी है, ठीक है? लेकिन जो किया उसने वो गलत कर दिया। आज भी अगर वो तैयार होती है तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। रिसेंटली कल या परसों ही मैंने उसके फादर से बात की, और फादर से आधे घंटे तक मैंने बात की, ए से लेके जेड तक हर चीज़ ओपन कर दी, और उसके पिताजी ने मुझसे बहुत अच्छे से सलीके से बात की है। मैंने उन्हें कहा है कि आप अपनी बेटी को बुलवाइए और मेरी बात करवाइए।
उस लड़की के पिता से प्रेमी युवक ने कहा कि उस लड़की से उसकी बात करवा दे, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चा दिखाया। पर्चा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि केवल देखने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। फिर युवक ने पर्चा देखकर पर्चे पर लिखी हुई बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आपने जो लिखा है वो गलत है, आपने लव नहीं लिखा, उसकी जगह वो लिखा है, आपने घुमा दिया। इसके बाद तीन लोगों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वो पर्चा पढ़वाया, लेकिन सभी ने लव ही बताया कि पर्चे पर लव ही लिखा हुआ है। पढ़िए, चश्मा लगाकर पढ़िए, नजदीक आइए। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है ना लफड़ों में पड़े। मैं देखूं से केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, वहां नहीं होना। पढ़ लिया पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा, स्वतः बोलने लगेंगे लव के बारे में नहीं होगा। अच्छा, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए, वो लव स्वतः बोलने लगेंगे लव के बारे में कहेंगे, यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। स्वतः बोलने लव कहाँ है? ये लव नहीं है, वो आपने घुमा दिया है, तो पर्चा ही हाथ में लव लव का कहीं नहीं है। ये क्या लिखा? स्वतः बोलने लव के बारे बोलने लव कहाँ है? ये क्या लिखा? वा लिखा ये खाली वा नहीं, ये वो है, वो कहेंगे बोलने, वो कहेंगे लव के। चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए ऐसा नहीं होगा। इधर आइए। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे, लव के बारे में कहेंगे, लव के बारे में कहेंगे। और आइए आप आइए, आप आइए, आप और जिसको भी आना हो बैठो, यहीं बैठो, आप नहीं जाओगे। जिनको पढ़ना हो वो बहन जी, जिनको भी पढ़ना हो और आओ। आप क्यों, आपको पढ़ना है, आओ आओ आओ, आने दो, पढ़ने दो इन्हें, पढ़ने दो, हाँ पढ़ो। केवल देखने चले आए, माइक लो, केवल आशीर्वाद, हाँ केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। हाँ, केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। युवक जब जाने के लिए बोलने लगा तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने युवक से कहा कि तुम अभी बैठो, छोड़ेंगे नहीं, अब और छीलेंगे आपको, क्योंकि आप टुच्चा गुंडा बन गए, ठठरी, आप बाबा का पर्दाफाश करने आए थे, ये जानने चले आए थे कि बालाजी की कृपा है या नहीं। इसके बाद प्रेमी युवक ने आगे के बारे में पूछा कि क्या उसकी प्रेमिका से उसकी शादी होगी या नहीं, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि नहीं होगा, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं। फिर युवक ने खुद की मम्मी को बुलाने की बात कही। युवक ने कई बार जाने की जिद की, लेकिन शास्त्री जी ने जाने नहीं दिया। फिर युवक ने कहा कि मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ, जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ मेरी सोच शुरू होती है। युवक ने सामने खड़े हुए लोगों को कहा कि तुम लोग खरीदे हुए हो, मैं नहीं, मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको और छीलेंगे, अब आपको हम छीलेंगे, क्योंकि आप जो है तुच्छा गुंडा बन गए हैं। आप देखने चले आए थे कि हम बाबा का पर्दा फाश करके मानेंगे,
और आप चले आए थे कि बालाजी की कृपा है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम काय बसोर हैं? मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा। अभी एक और बुलाओ, जिसको आप बुलाओ। नहीं नहीं, नहीं, नहीं हम नहीं मानेंगे। मेरी नजर अभी में बुलाओ। मेरी नजर में वो लव नहीं लिखा हुआ, वो कहेंगे ये लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप कहते हैं कि हम नहीं कहते, पर्चा कहता। ठीक है, ठीक नहीं, पर्चा कह रहा। नहीं नहीं, मैं भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इसे ये करते हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा इसमें? नहीं होगा, वो तो कह ही चुके नहीं होगा। हाँ ठीक है, बस और बोला, और बोला, बस धन्यवाद। कोई बात नहीं, जो नहीं होगा नहीं होगा। और किसी को पढ़ने बुला सकते हो? नहीं गुरुजी, छोड़िए। नहीं, ऐसे कैसे छोड़े? अभी छोड़ना थोड़ी है। नहीं कुछ नहीं होगा, मैं फंसने वालों में नहीं हूँ किसी भी तरीके से। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहां से मेरी भी शुरू होती है। वाह, सहनशाय हो, आपका प्यार चरम सीमा का। तुम लोग जो हो ना, खरीदे हुए वो हो, मैं खरीदा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, कंट्रोवर्सी नहीं मेरे साथ। काय भैया, खरीदे हुए हो। फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने युवक को खुद अपनी मम्मी को लाने के लिए कहा और साथ में पुलिस कर्मियों को भी भेजा। शास्त्री ने कहा कि वो पर्चा अदालत में भी पेश करेंगे। शास्त्री ने कहा कि कोई सनातन को नीचे दिखा दे, मुसलमानों से मिलकर और सनातन धर्म नीचे हो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने तो लंदन में भी वंदन करवा दिया था। मंच पर पहुंची युवक की माँ रोती रही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने युवक को कहा कि तुम खुद शादीशुदा हो और 6 साल की बेटी भी है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हो शादी करने के लिए। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है, तुम्हारा दिमाग खराब है, अब कान पकड़ो और क्षमा मांगो। क्या लिखा? केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। ये तुम्हारी माता जी बोल रही हैं। तेरी लिखने की अलग है, इनकी लिखने की अलग है तरीका। और सुनिए श्रीमान, अब तुम हमारी, अब रोको, हो गया तुम्हारा नाटक पूरा हो गया, अब हमारा सुनो। आप स्वयं शादीशुदा हैं, छह साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है, एक मिनट, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है, दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। उस लड़की से मेरी बात, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सच है, सच है? तुम्हारी ठठरी, ठठरी नकटा कोरी ठठरी। नहीं नहीं, मैंने कान पकड़ो, क्षमा मांगो। वही युवक की मां ने कहा कि उनके बेटे ने पूरे घर को परेशान कर रखा है, सबको दुखी कर रखा है। शास्त्री ने युवक के परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये प्रमाण देना जरूरी था, अगर प्रमाण नहीं देते तो देश दुनिया हनुमान जी पर भरोसा नहीं करती और सोचते कि बाबा गलत है। पूरे घर में तंडव मचा रखा है इसने। अब तुम नहीं, अब माता जी बोलेंगी। छोड़ो, तुम छोड़ो, पूरे घर में क्या कर दिया? तंडव मचा रखा है, सबको दुखी कर रखा है। सबको ऐसे ही दुखी करता, उसका दिमाग समका। लेकिन हमें माता जी प्रमाण देना था, अगर हम नहीं प्रमाण देते तो ये जो देश दुनिया देख रही, ये कौन हनुमान जी पर भरोसा करता? ये तो इनके लिए तो यही बात सही हो जाती कि बाबा गलत है। इसीलिए माता जी हमने ऐसा किया, वरना हमें नहीं करना था, हम ऐसा करते भी नहीं हैं। लेकिन कोई गलत अगर हनुमान जी को बोलेगा, हम चुप नहीं रह पाते। माता जी आप चिंता ना करो, वो सही होगा, सुधरेगा, बुद्धि भी ठीक रहेगी और वो वहाँ उसकी वो होनी नहीं है, तुम टेंशन ना। तो पर्चे में कितनी सच्चाई है कितने नहीं, आपको ये वीडियो देख के मालूम चल गया होगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।